नमस्कार, पापा मम्मी किचन डॉट कॉम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं ऑरेंज स्क्वेयर्स। वैसे तो मार्केट से जब हम ऑरेंज जूस के डब्बे वगैरह खरीदते हैं तो उनकी सामग्री पर लिखा हुआ होता है इसके अंदर आर्टिफिशियल फ्लेवर, आर्टिफिशियल कलर वगैरह ऐड किया हुआ है, और उसका प्रिजर्व करने के लिए कुछ प्रिजर्वेटिव भी ऐड करते हैं। पर आज जब हम ऑरेंज स्क्वेयर्स बना रहे हैं उसके अंदर हम कोई तरह का फ्लेवर या कोई तरह का कलर ऐड नहीं करेंगे, फिर भी ये ऑरेंज स्क्वेयर्स बहुत ही अच्छा बन के तैयार होगा। इसी के साथ ऑरेंज स्क्वेयर्स के अंदर हम ऑरेंज का पल्प भी डालेंगे, तो ये पल्प के कारण से पीने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो आइए ऑरेंज स्क्वेयर्स बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने ये 5 ऑरेंज ली है जिसका वजन लगभग 800 से 900 ग्राम के बीच में है। इस ऑरेंज को हमने साफ धो लिया था और धोने के बाद में हमने लिया है। ये हमने टेंगो ऑरेंज ली है, इसका कलर बहुत अच्छा होता है। इस तरह का ऑरेंज लेकर के जब हम स्क्वेयर्स बनाते हैं तो उसका कलर बहुत अच्छा आता है, दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट में भी बहुत अच्छा होता है। यदि आप ग्रीन कलर का ऑरेंज लेंगे तो उसके अंदर हमें आर्टिफिशियल कलर ऐड करना पड़ेगा, तभी हमारा ऑरेंज स्क्वेयर्स का कलर अच्छा आएगा। अभी मैं आपको बताती हूँ इस ऑरेंज को किस तरह से छीलना है। ये चाकू आप लगा करके, चाकू एकदम गहरा तक नहीं जाना चाहिए, हल्का हल्का बाहर साइड में बस कटना चाहिए। इसका स्किन है वहीं तक जाना चाहिए, ज़्यादा अंदर तक नहीं जाना चाहिए। इस तरह आप ऑरेंज काटेंगे, इसका छिलका अच्छे से निकलेगा। एक हल्का सा ऐसे हाथ डाल करके देखिए, आराम से छिलका निकल गया इसका। इस कप शेप में हम छिलका क्यों निकाल रहे हैं इसके बारे में आपको आगे बताऊंगी। देखिए, थोड़ा सा ऐसे अंगूठा इसमें डालेंगे इस तरह से, तो छिलका आपके आराम से निकल जाएगा। देखें, ये छिलका आराम से निकल गया है। इस तरह से सभी ऑरेंज का हम छिलका निकाल लेंगे। इस तरह हमने ऑरेंज के पल्प को अलग कर दिया है और इन छिलकों को अलग कर दिया है। अभी मैं आपको बताती हूँ इसके आगे का प्रोसेस। आप सोच रहे होंगे कि ये ऑरेंज का छिलका क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसके जो बाहर छिलका है उसका कलर भी बहुत अच्छा आता है और इसके साथ इसका फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा होता है। तो स्क्वेयर्स के अंदर अच्छा कलर लाने के लिए और फ्लेवर लाने के लिए इसको यूज़ करना ज़रूरी होता है। इसके अंदर कड़वापन भी नहीं होता, पर जो इसके अंदर जो वाइट वाला पार्ट है वो काफ़ी कड़वा होता है। यदि हम ऐसे ही यूज़ करेंगे तो हमारा स्क्वेयर्स कड़वा हो जाएगा, और वाइट वाला पार्ट यदि हम ऐसे ही निकालने को ट्राई करेंगे तो पूरा अच्छे से नहीं निकलेगा, जिससे हमारा शरबत फिर अच्छा नहीं बनेगा। इसीलिए हम इसको एक बार स्टीम कर लेंगे जिससे ये छिलका सॉफ्ट हो जाएगा और वाइट वाला पार्ट ईजिली निकल जाएगा। स्टीमिंग करने के लिए इन छिलकों को पहले हम एक बर्तन में जमा देते हैं। ये इस तरह से हमने बर्तन लिया है, उसमें ये छिलके जमा लिए। आपके पास स्टीमर हो तो आप स्टीमर में भी इन छिलकों को इस तरह से स्टीम कर सकते हैं। सब छिलकों को हमने स्टीम करने के लिए इसमें डाल दिया है, और इसे स्टीम करने के लिए हमने ये इडली का कुकर लिया है। आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं, कढ़ाई भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो ले सकते हैं। और इसको हम डायरेक्ट स्टीम करने के लिए इसको इसके अंदर नहीं रखेंगे, एक ही अंदर ये बाउल रख देंगे और इसमें हम पानी डाल देंगे जिससे ये बेस से थोड़ा ऊपर रहेगा। आप देख पा रहे हैं लगभग हमने 750 ml पानी डाला है। अभी इसको हम ऑरेंज को इसके अंदर इस तरह से रख लेंगे और गैस को चालू कर देते हैं। ढक्कन लगाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि बहुत से लोग सीधा पानी में डाल करके इसको बॉईल कर देते हैं। पानी में बॉईल करने से क्या होता है, इसके छिलकों में जो खुशबू होती है वो पानी के अंदर चली जाती है और फिर उस पानी को हमें फेंकना पड़ता है, क्योंकि ये इसका कड़वापन भी उसी के साथ उसमें जाता है, तो वो पानी हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम इसको स्टीम कर रहे हैं। स्टीम करने से इसका कड़वापन भी निकाल सकेंगे और छिलकों में जो खुशबू है वो भी हमारी बरकरार रहेगी। अभी इसे हम ढक्कन लगा देते हैं। ढक्कन लगा के 5 मिनट के लिए उबाल लेंगे। अब इन छिलकों को उबलते हुए 5 मिनट हो गया है, इसका ढक्कन हटा देते हैं और गैस को बंद कर देंगे। अभी मैं दिखाती हूँ आपको, छिलके एकदम सॉफ्ट हो गए। देखिए, जैसे हम डाल रहे थे छिलके हार्ड थे, अभी सॉफ्ट हो गए छिलके। अभी इसको हम बाहर निकाल देंगे। अभी आप देख पा रहे हैं छिलके, देखिए सॉफ्ट हो गए एकदम से। अभी इन छिलकों के अंदर जो वाइट पार्ट है इसको हल्का सा ऐसे रगड़ करके आराम से, देखिए आप आराम से निकल पा रहे हैं। छिलके सॉफ्ट हो जाते हैं तो वाइट पार्ट आसानी से निकल जाता है। इस तरह से आप खरोंच करके वाइट वाले पार्ट को निकाल लें, जिसे इसका कड़वापन है वो पूरा बाहर निकल जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि हमने इसे कप शेप में रखा था, इसलिए निकालने में भी हमारे को आसानी रही। देखिए,
आराम से इसे घुमा करके निकाल सकते हैं। देखिए इसका पूरा वाइट पार्ट है, हमने साफ़ कर दिया। वाइट पार्ट के साथ इसका कड़वापन है वो पूरा निकल गया है। आप देख पा रहे हैं इतना सारा वाइट पार्ट एक छिलके के अंदर से निकला है। इस तरह सभी छिलकों में से हम वाइट पार्ट को अलग निकाल लेंगे। इस तरह से हमने ऑरेंज के छिलकों में से वाइट पार्ट को अलग कर लिया है। आप देख पा रहे हैं इस पार्ट के अंदर अभी खाली फ्लेवर है और कलर है। जब आप घर पर बनाएंगे तब आपको मालूम पड़ेगा इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है। और जो ये वाइट पार्ट निकला है इसके अंदर कोई तरह का फ्लेवर नहीं है, इसमें खाली कड़वापन है। तो वो कड़वापन को हमने बाहर निकाल दिया है, जिससे अभी हमारा ऑरेंज स्क्वैश बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। इसको अभी हम फेंक देंगे। अभी इन छिलकों का हमें स्मूथ पेस्ट बनाना है, पर स्मूथ पेस्ट बनाने के लायक ये छिलके नहीं, क्योंकि ये हल्के से हार्ड है छिलके अभी तक, तो इसलिए पानी डाल करके इसे हम बॉईल कर लेंगे। तो इन छिलकों का थोड़ा दो दो पार्ट में हम तोड़ लेते हैं और इस तरह से कढ़ाई में डाल देते हैं। तोड़ने से यह है पानी में अच्छे से ये डूबे हुए रहेंगे, जिसे सारे छिलके अच्छे सॉफ्ट हो जाएंगे। अभी सभी छिलकों को हमने डाल दिया है और इसके अंदर हम 2 कप पानी डाल रहे हैं। इस बार हम इसे डायरेक्टली पानी में हम उबाल रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि जब ये पानी में उबल के तैयार हो जाएंगे तो जो पीछे पानी बचेगा उस पानी को हम फेंकेंगे नहीं, इसको हम पीसने में यूज़ करेंगे। इसी के साथ जब हम चाशनी बनाएंगे तो इसी पानी को यूज़ करेंगे, क्योंकि इस पानी के अंदर ऑरेंज का ज़्यादा से ज़्यादा फ्लेवर आ जाता है। इसीलिए ये फ्लेवर है जब चाशनी में जाएगा तो ऑरेंज स्क्वैश में और अच्छा फ्लेवर आएगा। इसीलिए इस बार हम इसे डायरेक्ट पानी में उबाल रहे हैं। उबालने के लिए कढ़ाई को हमने गैस पर रख दिया है और गैस चालू कर देते हैं। एक बार तो हम इसे तेज आँच में ही रखेंगे, जब इसका उबाल आ जाएगा उसके बाद में हम इसे धीरे कर देंगे। जल्दी उबाल आने के लिए अभी इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देते हैं। आप देख पा रहे हैं अभी इसमें बॉईल आ गया है और 5 मिनट अभी धीमी आँच पर हम और उबालेंगे। अभी ढक्कन खोल के देख लेते हैं, लगभग 11 मिनट हो गए हैं। आप देख पा रहे हैं सभी छिलके बहुत सॉफ्ट हो गए एकदम। आराम से इस तरह से दबा कर देख लें आप, चाकू डाल के छिलकों में चाकू जा रहे हैं, इसका मतलब छिलके बहुत सॉफ्ट हो गए हैं। इसको अभी हम आराम से पीस सकेंगे। अभी हम ढक्कन लगा के 5 मिनट के लिए फिर इसी में रख देंगे और गैस को बंद कर देते हैं। तब तक हम आगे का प्रोसेस करते हैं। अभी हम 5 ऑरेंज में से 4 ऑरेंज का तो हम जूस निकालेंगे और 1 ऑरेंज का हम पल्प निकालेंगे, जिसे हम डायरेक्ट ऐड करेंगे। जिस समय हम पियेंगे तो पीने के साथ जो इसका हल्का हल्का पल्प आता है वो बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए हम 1 ऑरेंज का पल्प निकालेंगे। पल्प निकालने के लिए हमने 1 ऑरेंज ली है, इसकी जो अलग अलग इसको इस तरह से तोड़ करके सभी फांकों को अलग अलग कर देंगे और इसको इधर से काट करके मैं बताती हूँ कैसे निकालें इसके अंदर से पल्प। इसके ऊपर वाला थोड़ा सा पार्ट इस तरह से आप काटें, इसका पल्प आसानी से निकल जाता है। और इसके अंदर जो बीज है वो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए इसका दोनों साइड से हमने कचरा निकाल दिया है, इधर से भी कचरा साफ कर दिया। अभी इस पल्प को इस तरह से अलग कर देंगे, ये अलग अलग हो जाएगी, सभी को हम ऐसे अलग अलग कर देंगे। इस तरह से हमने पूरी ऑरेंज का पल्प निकाल लिया है, इसको अभी हम साइड में रख देते हैं और जो ये 4 ऑरेंज हैं इसको हम बीच में से काट लेते हैं। इस ऑरेंज को हम बीच में से इस तरह से काट लेंगे। काट करके जो बीज दिख रहे हैं वो हम इस तरह निकाल लेंगे बाहर। ज़्यादातर बीज सेंटर में होते हैं इस तरह से, तो आप इस तरह से देख करके बीज निकाल लें इसमें से। देखिए बीज पूरे निकल गए, तो फिर हम मिक्सी में इसे पीसेंगे तो कोई भी बीज नहीं पीसे जाएंगे, आराम से ये बीज निकल गए पूरे। ऐसे बीज पहले आप निकाल लेंगे तो फिर आपको छानने के समय या पीसने के समय कड़वापन नहीं आएगा इसके अंदर। ज़्यादा टाइम नहीं लगता बीज निकालने में, 2 मिनट में निकल के तैयार हो जाते हैं। ये सभी ऑरेंज को हमने काट लिया है और इसके अंदर से बीज भी सभी निकाल लिए हैं हमने। अभी इस ऑरेंज को हम पीस लेंगे। पीसने के लिए अभी इन्हें हम मिक्सी के जार में डाल देंगे और ढक्कन लगा के अभी हम इसे हम पीस लेंगे। अभी आप देख पा रहे हैं बहुत अच्छे से पीस के तैयार हो गया है ये, फिर भी इसे हम छान लेंगे। इसके अंदर कोई कचरा होगा वो निकल जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जूस को छानने के लिए हमने एक बाउल लिया है, उसके ऊपर स्टैंडर लगा दिया है। इसमें आप ध्यान रखें कपड़े से आप नहीं छाने, इसमें इसी तरह की छलनी होगी उससे छाने, जिससे क्या छोटे छोटे पीस भी चाहिए ऑरेंज के इसमें आएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो इसीलिए आप इस तरह की छलनी से ही छाने। इसको अच्छे से हिला करके इस तरह से इसका निकाल देंगे जूस पूरा।
पूरा जूस हमने छान के निकाल लिया इसमें से, और जो पीछे पल्प बच गया है इसे हम फेंक देंगे। ये हमारा ऑरेंज अच्छा पिस गया था इसीलिए इसके अंदर कचरा ज़्यादा नहीं निकला है, देखिए, क्योंकि हमने बीज पहले से, नहीं तो क्या बीज अंदर रहते हैं इसके अंदर तो उसका कड़वापन आ जाता है, तो हम ज़्यादा पीस नहीं सकते हैं। तो अच्छे से पीस लिया था बीज निकाल के, तो हमारे कड़वापन भी नहीं आएगा और जूस भी बहुत अच्छा निकल गया। यदि आपके पास जूसर हो तो आप डायरेक्टली आप जूसर में निकाल सकते हैं, उसमें आपको बीज अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जूसर में तो अलग से कचरा निकल जाता है और जूस बाहर निकल जाता है। इस कचरे को अभी हम फेंक देंगे, इस ऑरेंज के जूस को हम साइड में रख देंगे। इसी के साथ जो ऑरेंज के छिलके हमने उबाल के रखे थे वो भी ठंडे हो गए हैं, अब इन छिलकों को हम पीस लेंगे। इन छिलकों को पीसने के लिए हम जिस मिक्सी के जार में हमने जूस पीसा था उसी के अंदर हम छिलके पीस रहे हैं। छिलके हमारे काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं, अब इस पानी को भी इसी के अंदर थोड़ा डाल देंगे हम, जिस छिलके आसानी से अच्छे पीस जाएंगे। पानी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक बार अब थोड़ा पानी डाला है फिर ज़रूरत हुई तो और पानी डालेंगे। अब जो बचा हुआ पानी है वो भी इसी के अंदर डाल देंगे। अब आप देख पा रहे हैं कितना अच्छा स्मूथ पीस के तैयार हुआ है। इसी तरह का स्मूथ पीस के हमें तैयार करना है, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। अभी इसे हम छान लेंगे। ऑरेंज के छिलकों के पल्प को छानने के लिए हमने एक बाउल लिया है, उसके अंदर स्टेनर रख दिया है हमने, और अभी इस पल्प को इसके अंदर डाल देंगे। पल्प इतना अच्छा पीस के तैयार हुआ, देखिए पूरा पल्प इसके अंदर से निकल गया है। छानने का रीज़न ये था हमारा कि इसके अंदर कुछ बच गया हो पीस वगैरह तो इसमें रह जाएगा, और आप देख पा रहे हैं इसमें कोई तरह का हमारे पीस नहीं बचा है। अच्छा से एकदम जैसे हमने उबाला था ना, उबालने से बहुत स्मूथ हो गए थे और स्मूथ ही पीस के तैयार हो गए। अभी हम आगे का प्रोसेस चालू करते हैं। अभी ऑरेंज स्क्वैश बनाने के लिए हमने 3 कप चीनी ली है, इसको हम कढ़ाई में डाल देते हैं। अभी इसमें हम पानी डाल देते हैं, 1.5 कप इसमें हमने पानी डाला है, और गैस को चालू कर देते हैं। गैस को हम तेज आँच में ही रखेंगे और धीरे धीरे इसको हिलाते रहेंगे। देख पा रहे हैं हमारी चाशनी भी गंदी लग रही है, इसलिए इसमें हम 2 टेबल स्पून जितना दूध डालेंगे जिससे चाशनी क्लीन हो जाएगी एकदम से। क्या दूध इसके अंदर जाके जब फटता है तो फटने के साथ ही इसका मैल होता है वो साथ में ले लेता है, मैल इस तरह पूरा साफ़ हो जाता है, ऊपर आ जाता है मैल दूध के साथ। फिर इस मैल को आप छलनी लेकर के इस तरह से निकाल लें जिससे चाशनी एकदम से क्लीन हो जाएगी आपकी। इस तरह आप देख सकते हैं चाशनी को हमने साफ़ कर लिया है। मैं आँच को धीरे करके आपको दिखाती हूँ, हमारी चाशनी देखिए कितनी अच्छी ट्रांसपेरेंट दिखने लग गई है। इस तरह से आप कभी भी गुलाब जामुन बनाए या कोई भी मिठाई बनाए, यदि आपको आपकी चाशनी थोड़ी गंदी लगे उस समय आप दूध डाल करके, जैसे हमने इसमें बताया था दूध डालकर साफ़ करना, उस तरह से आप साफ़ करेंगे तो आपकी चाशनी भी साफ़ हो जाएगी। फिर जो भी चीज़ आप मिठाई बनाएंगे तो भी बहुत अच्छी बनेगी, चाहे शरबत बनाए, स्क्वैश बनाए, जो कुछ भी बनाए, चाशनी इस तरह साफ़ करके बनाएंगे आप तो आपकी चीज़ें बहुत ही अच्छी बनेगी। ये हमने दिखाने के लिए आपको धीरे किया था आँच। ये अभी जो हमने ऑरेंज का छिलका जो पीसा था इसको इसमें डाल देते हैं। ऑरेंज के छिलके में खुशबू बहुत अच्छी होती है, इसलिए ऑरेंज का छिलका जब इसमें डालते हैं तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है स्क्वैश की। आप देख पा रहे हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है। इसे हम थोड़ी देर और पकाएंगे, 2 मिनट और उबाल लेते हैं इसको। पल्प डालने के बाद में हमने लगभग इसे 11-12 मिनट पका लिया है। अभी हमारी चाशनी काफ़ी गाढ़ी हो गई है, अभी हम गैस को बंद कर देंगे। इसे ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी क्योंकि धीरे धीरे ठंडा होता है, तब तक और भी गाढ़ा होता जाता है। अभी इसमें हम जो ऑरेंज का रस निकाल के रखा है वो अब डालेंगे इसमें। आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि कभी भी ऑरेंज का जूस है वो लास्ट में डालें, क्योंकि ऑरेंज के अंदर जो खट्टापन होता है उस कारण से यदि वो उबालेंगे तो खट्टापन है, फिर उसमें कड़वापन आने लग जाता है, तो स्क्वैश हमारा कड़वा हो जाता था। हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करते हैं कि स्क्वैश हमारा बहुत अच्छा बने, कोई कड़वापन नहीं आए इसमें। देखिए आप, बहुत अच्छा कलर आ गया इसका। अभी इसमें हम थोड़ा और खट्टेपन के लिए 3 टेबल स्पून इसमें हम नींबू का रस डाल देंगे, इससे और अच्छा इसमें खट्टापन आएगा। ये हम टेबल स्पून में इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि किसी के घर में नींबू होते हैं बड़े होते हैं, किसी के छोटे होते हैं, तो आप रस नाप के डालेंगे इस तरह से टेबल स्पून में तो आपको मालूम रहेगा कितना रस डाल रहे हैं, तो इसीलिए हम नाप के हिसाब से मैं दिखा रही हूँ आपको ये। और ये नींबू का रस भी आपको सबसे लास्ट में ही डालना है, कभी भी पहले नहीं डालें।
इसी के साथ जो हमने ऑरेंज का जो पल्प रखा था हमने अलग अलग दाने करके, वो पल्प को भी इसमें डाल देते हैं। ये भी लास्ट में ही डालें। देखिए आप, पल्प डालने के बाद सुंदर दिखने लगे और भी ज़्यादा पल्प डालने से। अब इसको थोड़ा ठंडा करके हम बॉटल में भर लेंगे। इस तरह से हमने ऑरेंज स्क्वेयर्स को बॉटल में निकाल दिया है। आप देख पा रहे हैं इसका कलर कितना अच्छा आया है। ऑरेंज स्क्वेयर्स का ओरिजिनली कलर इसी तरह का होता है। इसमें हमने कोई तरह का कलर नहीं डाला है, न ही कोई खुशबू डाली है। ऑरेंज की खुशबू इसमें बहुत ही अच्छी आती है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि आप ऑरेंज स्क्वेयर्स को सर्व कैसे करें। इसमें हमने 2 टेबल स्पून ऑरेंज स्क्वेयर्स लिया है, इसे हम 1 गिलास में डाल देते हैं। दूसरी वाली गिलास में भी हम 2 टेबल स्पून ऑरेंज स्क्वेयर्स डाल देते हैं। अभी इसमें 3-4 पीस हम बर्फ़ के डाल देते हैं। आपको ठंडा कितना पीना है उस हिसाब से आप ज़्यादा बर्फ़ या कम बर्फ़ डाल सकते हैं। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। आप देख पा रहे हैं ग्लास में कितना सुंदर लग रहा है, मीठा भी बराबर हो गया है। हमने चखे देख लिया इसे। इसी रेशियो में आप ऐसी ग्लासें बना सकते हैं। इस तरह से हमारे स्क्वेयर्स बनके तैयार हो गए हैं। ऑरेंज स्क्वेयर्स के पीने पर उसके अंदर जो पल्प का टेस्ट आ रहा है वो बहुत ही अच्छा आ रहा है। इसी के साथ ये जब आप घर में बना के रखेंगे तो 2 महीने तक भी ये खराब नहीं होगा। आपको इसे फ्रिज में रखना जरूरी है। और इस गर्मियों में आप इस तरह का स्क्वेयर्स जरूर बनाएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताएं। इसी तरह की अन्य रेसिपीज़ के लिए यूट्यूब पर पापा मम्मी किचन को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।